महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी महानगर मुरादाबाद के पदाधिकारी महानगर अध्यक्ष हाजी मुन्नू कुरैशी के नेतृत्व में गांधी पार्क कंपनी बाग में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे एकत्रित हुए और सर्वप्रथम उनको नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की और पुष्पहार पहनाए। तत्पश्चात गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष गोडसे राज खत्म करने का संकल्प लिया और कहा कि गांधी जी एवं भगत सिंह जी के देश में गोडसे राज नहीं चलेगा। अमन शांति और गंगा जमुनी तहजीब में नफरत घोलने वालों का पर्दाफाश कर उनका अंत किया जाएगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों का है और सभी धर्मों के लोगों ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है, इसलिए नफरत फैलाने वाले लोगों का अंत कर गांधीवाद को लाना ही प्रत्येक भारतवासी का धर्म है। गोष्ठी उपरांत केंद्र और प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए और गोडसे राज के खात्मे के लिए शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। गोष्ठी संकल्प और कैंडल मार्च का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष हाजी मुन्नू कुरैशी ने किया तथा संचालन महासचिव धर्मेंद्र यादव ने किया। देखिए, आज हमारे देश के महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि थी। हम सभी लोगों ने आज समाजवादी पार्टी महानगर की ओर से यहाँ एक कार्यक्रम किया है, जिसमें आज हमने सभी लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है कि आज जो देश के हालात हैं उसको देखते हुए गोडसे का जो राज आज चल रहा है इसके खात्मे का हमने यह संकल्प लिया है और एक कैंडल मार्च हमने किया है सरकार की सद्बुद्धि के लिए। आज केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके का उत्पीड़न सभी लोगों के सभी धर्मों के साथ कर रही है, तो आज हमने यहाँ एक कैंडल मार्च करके सरकार की सद्बुद्धि के लिए एक कैंडल मार्च किया है। आज देश के हालात जो हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। किसान बदहाल है, काफ़ी दिनों से लगभग 2 महीने हो गए हैं दिल्ली बॉर्डर पर किसान जूझ रहा है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवान बेरोजगार है। आज देश के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और सिर्फ नफरत की राजनीति की है। आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ, सभी का धन्यवाद।